नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। अपनी आक्रामक सोच और तेज तर्रार रवैये से भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदलकर रख देने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली साल 2015 से बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इससे पहले गांगुली 2014 में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी रह चुके हैं, लेकिन अब गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लोढ़ा समिति की सिफारिशों में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी इंसान का प्रशासनिक पद पर कार्यकाल 6 साल का ही होगा और उसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। तो इस लिहाज से अब सौरभ गांगुली जुलाई 2020 तक ही BCCI के अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं और इसके बाद उन्हें ये पद छोड़ना होगा। आपको बता दें कि BCCI अध्यक्ष के तौर पर गांगुली के नाम का औपचारिक ऐलान 23 अक्टूबर को होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे में जबकि सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे तो ये जिम्मेदारी BCCI और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक डालमिया को दी जा सकती है। माना जा रहा है कि अभिषेक को निर्विरोध चुना जा सकता है। गांगुली को हाल ही में 28 सितंबर को हुई AGM में दोबारा कैब का अध्यक्ष चुना गया था। पिता जगमोहन डालमिया के निधन के बाद साल 2015 में अभिषेक ने क्रिकेट प्रशासक के तौर पर कैब में कदम रखा था, वो सचिव बने थे। जैसा आपको बता दें कि सौरभ गांगुली दिवंगत क्रिकेट प्रशासक जगमोहन डालमिया के बेहद करीबी माने जाते थे। यहाँ तक कि गांगुली के क्रिकेट प्रशासक बनाने की राह भी डालमिया ने ही खोली थी। अब माना जा रहा है कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 22 नवंबर को ईडन गार्डन्स में होने वाले हैं। खबर यह है कि ये चुनाव भारत बांग्लादेश टेस्ट से पहले हो सकते हैं, जिसमें जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक डालमिया को अध्यक्ष चुना जा सकता है। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।